नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्र आप लोगों के समक्ष आपका चहेता डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेक पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज अपन फिर से PYQ जो अपना सीरीज चल रही है उसी सीरीज के अंतर्गत आज जब अपन दोस्तों डिटेल के साथ चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि अपना जो पॉइंट होगा क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा जिसमें इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगा कि ये जो भी फैकल्टी पैनल आपके सामने है ये सब बेहतरीन फैकल्टी पैनल आपके सामने है और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको दोस्तों बेहतरीन तरीके से डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और इसी प्रकार से जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपको चाहिए कि सर लाइव जो क्लास चलते हैं उसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, उसके PDF के लिए बेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना जो चहेता डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेक एप्लीकेशन पर, ये आपको PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी ही प्रकार से जब अपन दोस्तों चाहते हैं कि हमें बेहतरीन लाइव बैच चाहिए तो लाइव बैच आप लोगों की सुविधाओं को देखते हुए लाइव बैच भी स्टार्ट किया गया है। और लाइव बैच में आपको प्रत्येक ट्रेड का टाइम टेबल और प्रत्येक ट्रेड का ऑफर जो चल रहा है 20% का वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और आप इसको अभी परचेज करें, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपना जो इंजॉय है अपना जो कंटेंट है उसको दोस्तों आप कवर करते हुए चलें और लिखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। ये आपका फिर एक और बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है तेजस लाइव जो बैच चल रहा है, और 5 जो फरवरी है उससे ये बैच स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें लाइव क्लास आपको मिल रही है और उन्हीं लाइव क्लास का एंजॉय करने के लिए लाइव शेड्यूल आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, जब दोस्तों आपको ये लगता है कि सर ऑनलाइन में पढ़ने के साथ साथ हमें ऑफलाइन भी पढ़ना होगा, तो ऑफलाइन के लिए अपने पास 2 सेंटर है, एक इंजीनियर्स अकेडमी जो कि जयपुर के अंदर है, इसका जो एड्रेस के लिए आप स्कैनर जो आपके पास में गूगल जो मैप है इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली लोकेशन आ जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड, आप चाहते हो कि सर हमारे नियर बाई UP में हो तो आपको ये एड्रेस पर जाना होगा, इसके लिए भी आपको गूगल मैप पर दोस्तों स्कैन करके और आप आराम से इजी तरीके से आप इस लोकेशन पर पहुंच सकते हो। चलेंगे, आज का जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर है और इसमें आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट अगर इसमें से देखेंगे लास्ट ये क्वेश्चंस आपका था पिछली जो क्लास थी उसमें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसमें कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें। मैं आपको फिर से एक बार डिटेल के साथ चर्चा कर देता हूं कि लाइव जो भी क्लास थी उसमें अपन ने ये देखा कि सबसे बड़ी हड्डी पूछा है तो अपनी जांग की हड्डी जो फीमर होती है, जांग की जो हड्डी होती है जांग में स्थित होती है और उसका नाम होता है फीमर, फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस हड्डी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, अपनी जो हाइट होती है उस हाइट का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट यानी भाग आपका इस हड्डी का होता है, याद रखेंगे इस चीज को, आपसे पूछा जाता है। और लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर अपन दोस्तों चर्चा करते हैं तो 48 सेंटीमीटर लंबी होती है, कितना 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर ये दोस्तों क्या होती है लेंथ इसमें पाई जाती है। आपसे फिर पूछा जाता है कि सबसे छोटी कौन सी होती है, और जब अपन सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं सबसे छोटी बोन्स की बात करेंगे तो स्टेपीज होती है, कौन सी होती है स्टेपीज, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा जो वजन सहन करने वाली आपसे पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली, और सबसे ज्यादा जो वजन सहन करने वाली हड्डी होती है उसका नाम होता है टीबिया, उसका नाम क्या होता है टीबिया होता है, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। ये भी हमारे कहां पर पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, यानी कि आप वो क्वेश्चंस देख रहे हो जो डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस के मैं आपको डिटेल्स बताता हुआ चल रहा हूं। फिर आपसे पूछी जाती है कि सर बताइए सबसे मजबूत हड्डी
स्ट्रॉन्ग बॉन्स कौन सी होती है, और जब अपन देखेंगे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्स कौन सी होती है, तो आपके पास में आ जाता है मैंडिबल। मैंडिबल जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैंडिबल जो बॉन्स होगी ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि अपना जो निचला जबड़ा होता है ये मैंडिबल बॉन्स होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। रूपेश, प्रेम, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जो पॉइंट है उनको आप दोस्तों क्लियर करते हुए चलेंगे, और आई होप कि ये सब चीज आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बताइए। एन प्रोपिल फ्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एन प्रोपिल फ्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर देंगे। अब ये देखो हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक होगा ना आपका, उसमें से पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री का आप कंटेंट को लेने के लिए आपको बेटा ये जो बैच है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो आपका जो बैच है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉल करके और अपना सीट रिजर्व कराएंगे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, वॉट इज द आईयूपीएसी नाम ऑफ एन प्रोपिल फ्लोराइड? एन प्रोपिल फ्लोराइड का आईयूपीएसी नाम की जब अपन बात करेंगे तो आपके पास में आएगा सी वन फ्लोरो प्रोपेन। ये आपके पास में राइट आंसर होगा, वन फ्लोरो प्रोपेन आपके पास में राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रेम दादा, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। रूपेश, आंसर दिया करो बेटा, और भी जो भी लाइव देख रहे हैं बेटा सब आंसर दिया करो। आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस अप होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे। आपके भी मन में अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट्स करके उस क्वेश्चंस का आंसर मुझसे भी पूछ सकते हो, लेकिन आप ना कंटिन्यू आंसर देते रहा करो, जिससे आपका भी क्या कॉन्फिडेंस अप होगा और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जैसे ये आपसे पूछा है, जीवित तो जो भी प्राणी होते हैं उसमें जो निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का दोस्तों क्या किया जाता है? संलयन किया जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? अब थोड़ा सा मैं जब इसके डिटेल्स पर चर्चा करता हूं आपसे, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि ये जैसे नर और मादा हो गई, जैसे ये नर हो गया और ये मादा हो गया, अपन अच्छे तरीके से जानते हैं नर का तो शुक्राणु होता है और मादा का दोस्तों क्या होता है? अंडाणु होता है, ओवम होता है। और इन दोनों के बीच में अगर अपन क्रॉस कराते हैं, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है, और इन दोनों के बीच में अगर अपन दोस्तों क्रॉस कराते हैं तो 2n हो जाता है। और 2n यानी कि ये युग्मक होते हैं, ध्यान रखेंगे ये क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। और युग्मक युग्मक अगर मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण कर देते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। जायगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मानव जीवन की प्रथम सेल कौन सी होती है? मानव जीवन की जो प्रथम सेल होती है, प्रथम कोशिका जो होती है, प्रथम कोशिका जब आपसे पूछा जाए तो आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा युग्मनज। आई होप के समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो क्लियर करेंगे। नर और मादा, शुक्राणु और अंडाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं, लाइक भी करने की होती है दादा, लाइक के साथ साथ शेयर भी करने की होती है, लाइक और शेयर दोनों करने की होगी। और जो नए स्टूडेंट है उसको अगर नोटिफिकेशन चाहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में अगर जुड़ना है तो बेटा आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके नोटिफिकेशन आएगा। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये युग्मक कहलाते हैं, गैमेट कहलाते हैं। गैमेट और गैमेट जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं, और जायगोट का जब निर्माण हो जाता है यानी 2n बन जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। तो अपन ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि मानव की प्रथम जो सेल होगी, मानव जीवन की फर्स्ट जो सेल होती है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो हो जाता है युग्मनज, जायगोट जिसे कहा जाता है। बस क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं,
तो इसमें आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा डी, प्रेम रूपेश, बिल्कुल सही आंसर है। और भी बच्चे जो भी देख रहे हैं सब कमेंट्स कर रहे हैं बेटा, चलेंगे नेक्स्ट आ जाइए। चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित जो शाखा होती है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली दोस्तों क्या होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताएंगे फटाफट से कि उसे किस नाम से जाना जाता है। गुर्दों से संबंधित जो जानकारी होती है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है बताओ? चिकित्सा विज्ञान के गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सी होती है? कार्डियोलॉजी, ऑप्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑप्टो निर्लियोलॉजी, बताएंगे जल्दी जल्दी आंसर दो, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अरे कार्डियोलॉजी तो अपना हार्ट से रिलेटेड होता है ना यार, तब इसमें कैसे आ जाएगा? गुर्दे को जिगर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, गुर्दे को जिगर भी बोलते हैं, जिगर के सामने वही जिगर है ये, बताएं इसे क्या कहा जाता है? अरे इसमें जब अपन देखेंगे हमारी जो किडनी होती है उसको ही अपन दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ये जो किडनी होगी उस किडनी को ही दोस्तों अपन क्या कहते हैं? ये जो किडनी होती है इस किडनी को ही अपन क्या कहते हैं? जिगर के नाम से, गुर्दे के नाम से जानते हैं। और इसमें जो छोटी छोटी सी नलिकाओं का जो समूह होता है इसे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो नेफ्रोलॉजी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आप कार्डियोलॉजी करोगे, हाँ बिल्कुल, किडनी कहते हैं बेटा, किडनी को ही जिगर कहते हैं, जिगर के सामने, बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जब आपसे कोई पूछा जाता है तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन होता है और इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बताएंगे दिए गए जो भी चित्र है उसमें कार्बनिक यौगिक का नाम पूछा है आपसे, कार्बनिक यौगिक का नाम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एएलपी के अंतर्गत, ये एएलपी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। एएलपी में ऐसा क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि अगर बेंजीन के साथ में NH2, ये कहलाता है आपका बेंजीन, ये क्या कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। और बेंजीन के साथ में अगर दोस्तों NH2 अगर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? बेंजीन के साथ में NH2 जोड़ते हैं तो क्या बनता है बताओ? जल्दी जल्दी आंसर दो, आनंद आंसर देंगे बेटा, और रूपेश, प्रेम शंकर, जितने भी जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी की सब आंसर देते हुए चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, इसमें क्या रहेगा? बेंजीन के साथ NH2 जोड़ते हैं तो क्या बनता है?
एनिलीन क्या बनता है दोस्तों, एनिलीन होता है। बेंजीन के साथ में अगर दोस्तों एनएच टू अगर जोड़ दिया जाता है तो एनिलीन बनता है, याद रखेंगे। लाइक भी करेंगे सब, सब लाइक भी करते हुए चलेंगे। शिवम लाइक करेंगे बेटा, प्रेम शंकर लाइक करेंगे, आनंद लाइक भी करने की है कंटेंट के साथ साथ। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर बेंजीन के साथ में ये जो बेंजीन है इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ये जो बेंजीन आपके साथ में है अगर इसके साथ में एनओ टू जोड़ दिया जाता है तो उसे अपन नाइट्रो बेंजीन के नाम से जानते हैं, नाइट्रो बेंजीन के नाम से जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी ले लो आप। और इसी बेंजीन के साथ में अगर दोस्तों आपका सीएल जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। और इसी बेंजीन के साथ में दोस्तों यदि बी आर जोड़ दिया जाता है तो उसे ब्रोमोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के अंदर दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आप इन सबको दोस्तों क्लियर करते हुए चलोगे। आई होप कि यहाँ तक जो भी पढ़ाया है, जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ NH2 अगर जोड़ दिया जाता है तो एनिलीन बनेगा। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ में आप दोस्तों NO2 जोड़ रहे हो तो उसे नाइट्रो बेंजीन के नाम से जाना जाएगा। CL अगर बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ते हैं तो दोस्तों उसे क्लोरो बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आपसे दोस्तों क्या होता है, पूछ लिए जाते हैं। आई होप की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट, जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पोर्टलैंड सीमेंट के जो मूल घटक होते हैं वो दोस्तों कौन कौन से होते हैं बताएंगे, पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसके मूल घटक दोस्तों कौन कौन से होते हैं बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अगर पोर्टलैंड सीमेंट के मूल घटक की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास सी ये हो जाता है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, तो आपके पास में इसमें आएगा राइट आंसर सी। इसमें राइट आंसर दोस्तों कौन सा आ जाएगा, सी आपके पास में राइट आंसर होगा। सबके सब लाइक और शेयर भी करेंगे दादा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो रक्त दाब को दोस्तों कंट्रोल करने का काम करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्लड प्रेशर बीपी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, कंट्रोल करने वाला हार्मोन आपसे पूछा है तो बताएंगे इसमें कौन सा होता है, कंट्रोल करने वाला हार्मोन आपसे पूछा है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अच्छा लिंक को शेयर भी कर दो यार, अपने मित्र साथियों के साथ शेयर भी करते हुए चलो और बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। अच्छा ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करोगे इसका मतलब उसे इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हो आप, उसे क्या कहोगे, इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी जब हार्मोन की जब मैं बात करता हूं तो आपके पास इसमें कौन सा होगा जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अच्छा इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ये आपका इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखेंगे वैसोप्रेसिन जो होता है वो रक्त दाब को दोस्तों क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त दाब को नियंत्रित करता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। ये मिल्क सिक्रेशंस हार्मोन होता है, मिल्क सिक्रेशंस हार्मोन ये आपको याद होना चाहिए, दूध का स्रावित कराने वाला हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है ये वाटर की क्वांटिटी को कम और ज्यादा करने का काम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो होगा वो दोस्तों क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। तो इसमें आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वैसोप्रेसिन। आई होप की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ए रहेगा रूपेश, प्रेम, आनंद, जितने भी जो भी मित्र है
सब लाइक भी करेंगे, ए वाला जो रहेगा वो आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वैसोप्रेसिन जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका, वैसोप्रेसिन आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे और बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आंखों में आंसू बनाते हैं, आंसू बनाने का जो काम करता है वो दोस्तों कौन सी ग्रंथि होती है। सब एक बार लाइक करते हुए चलेंगे और बताएंगे इसमें क्या हाइपोथैलेमस होता है, लैक्रिमल होता है, पिट्यूटरी होता है या थायराइड ग्रंथि होती है। जो आंखों में आंसू बनते हैं वो किस ग्रंथि के माध्यम से बनते हैं, आंखों में यदि आंसू बनते हैं तो वो कौन सी ग्रंथि होती है बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दो। अब देखो हाइपोथैलेमस तो क्या होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है और अपन ये अच्छी तरीके से जानते हैं ब्रेन का ये जो वाला पार्ट होता है ये क्या काम करता है। ये जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी से अगर प्यार हो रहा है, घृणा कर रहे हो, आई हेट घृणा कर रहे हो, इन सब प्रकार की जो भी एक्टिविटी होगी उन सबको कंट्रोल करने का जो काम करेगा वो आपका हाइपोथैलेमस होगा। जबकि लैक्रिमल जो होता है ये आंखों में आंसू बनाने का काम करता है। आंखों में आंसू ना होते तो खुशी की कोई कीमत ना होती, आंखों में आंसू ना होते तो खुशी की कोई कीमत ना होती, दिल में यदि दर्द ना होता तो प्यार की कोई कीमत ना होती। अगर इसकी बात करते हैं इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये अपने गले में पाई जाती है, टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से इसे जाना जाता है। ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, यानी कि जो भी ऑप्शन आपके हैं सब ऑप्शन के आपको डिटेल्स याद होने चाहिए, यहीं से दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये थायराइड जो ग्रंथि होती है अपना जो श्वास नली होती है उसके दोनों ओर पाई जाती है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होगा ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है, ब्रेन में लोकेटेड होती है, ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड होती है। आई होप की चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में क्या हो जाते हैं पूछ लिए जाते हैं। एक बार लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाइए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है। पेट्रोलॉजी क्या है, गैसों का विज्ञान, पेट्रोलॉजी क्या है, गैसों का विज्ञान, चट्टानों का विज्ञान, खनिजों का विज्ञान, धातुओं का विज्ञान, पेट्रोलॉजी की बात की इसने, बताओ। अरे बताओ भाई, आनंद, प्रेम, रूपेश, शिवम, बताएं बेटा आनंद, बताओ आंसर देते हुए चलेंगे। और इसमें राइट आंसर क्या होगा कि पेट्रोलॉजी क्या होता है बताएंगे। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, पेट्रोलॉजी सी नहीं आके आपका आएगा बी, साइंस ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का जो अध्ययन होता है, इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप। लैक्रिमल हमारी आंखों में होता है जो आंसू बनाने का काम करते हैं, ग्रंथि होती है। अब बताओ इसमें क्या रहेगा, इसमें मैंने आपको बताया साइंस ऑफ रॉक्स, चट्टानों का जो अध्ययन होता है या चट्टानों का जो विज्ञान कहा जाता है वो ही आपके पास में आएगा दोस्तों। बिल्कुल लैक्रिमल आंखों में आंसू बनाने वाली एक ग्रंथि होती है,
इसमें आएगा चट्टानों का विज्ञान कहा जाता है, ये हमें याद रखना होगा, इसे चट्टानों का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, और बताइए नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? अब बी की अगर मैं बात करता हूं, एक तो हो जाता है बी वन, जिसका रासायनिक जो नाम होगा वो होगा थियामिन। दूसरा हो जाता है बी टू, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन ये दूसरा। तीसरा अगर अपन बात करते हैं बी थ्री, जिसमें आ जाता है नियासिन। चौथा अगर आ जाता है आपके पास बी फाइव, तो पेंटा थेनिन। फिर आ जाता है बी सिक्स, पाइरीडॉक्सिन, पाइरीडॉक्सिन। फिर आ जाता है बी सेवन, जिसे कहते हैं बायोटिन। फिर आ जाता है बी नाइन, जिसे अपन कहते हैं फॉलिक एसिड। और फिर आ जाता है बी बारह, जिसे अपन कहते हैं साइनो कोबालमिन। आई ओके, जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में सीधा दोस्तों क्या हो जाता है, पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे, ये भी आपका बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी नाइन हो गया, लेकिन एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, ये विटामिन डी, विटामिन जो होगा सी का केमिकल नाम होता है। विटामिन जो सी होता है, उसका केमिकल नाम अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका केमिकल नाम होगा, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। चलेंगे, एस्कॉर्बिक जो होता है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ये हमें याद रखते हुए चलना है। आई होप कि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या, बताएंगे। पेट्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टानों का अध्ययन करना, शिवम प्रेम आनंद रूपेश। बताओ भाई, यहां तक जो भी पढ़ाया वो क्लियरली समझ में आया? कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो बताएं। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं, तो फिर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो डाउट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कि किस सब्जी में विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है? ऐसा कौन सा विटामिन होगा, बताओ, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें दोस्तों ए और सी की प्रचुर मात्रा होती है? किसी सब्जी में विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है? बैंगन में, भिंडी में, आलू में, या फिर टमाटर में? बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन। किसी सब्जी में विटामिन ए और सी की प्रचुरता होती है? जब दोस्तों इस प्रकार से अपन चर्चा करते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा डी। नेक्स्ट बताएंगे, फ्रॉम
फ्रांसियम एक अति रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स होता है। फ्रांसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 232 FR के अर्ध आयु मात्र खाली जगह होती है, बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दो, इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। इसमें लाइक भी करते हुए चलेंगे, बताएंगे क्या रहेगा। फ्रांसियम एक अति रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। फ्रांसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 FR के अर्ध आयु मात्र होगी। जल्दी जल्दी बताएंगे इसमें क्या रहेगा। और जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें उसका कितने समय के लिए रहता है वो आपसे पूछा है। 2.1 सेकंड के लिए, 21 सेकंड के लिए, 2.1 मिनट्स के लिए या 21 मिनट्स के लिए। यानी बहुत ज्यादा अगर रेडियो सक्रियता है तो 2.1 सेकंड। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भारत में वायु प्रदूषण का बाह्य कारण होता है। ओजोन, पेन, पेन का कंप्लीट नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो आपका दोस्तों पॉल्यूशन जो फैलाने का काम करता है वो इसमें कौन सा होगा, फटाफट आंसर देंगे, फटाफट से आंसर दो और लाइक भी करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भारत में वायु प्रदूषण का बाह्य कारण है। नेहा, कुलदीप, स्नेहा, प्रेम, हेमंत, रूपेश, शिवम, बताओ बेटा फटाफट आंसर दो, इसमें राइट आंसर क्या होगा और लाइक भी करते हुए चलेंगे। वायु, इसमें आपसे पूछा है कि वायु प्रदूषण का कारण भारत में जो मुख्य रूप से होता है जो वायु प्रदूषण, उसका बाह्य कारण क्या होता है वो आपसे पूछा है। ऐसा क्या कारण है जिससे दोस्तों बाह्य प्रदूषण होता है, बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दो। अब देखो सबसे ज्यादा तो अगर अपन दोस्तों चर्चा करते हैं तो धुआं जो होगी, धुआं, धुआं जो होती है इससे दोस्तों वायु प्रदूषण मैक्सिमम होता है। और धुएं में यदि अपन दोस्तों चर्चा करते हैं, एक तो CO2 गैस होती है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण फैलाने का जो काम करेगा वो रहेगा सी, बिल्कुल। प्रेम, स्नेहा, कुलदीप, नेहा आंसर देते हुए चलो नेक्स्ट बताएंगे। टीकाकरण की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। अब देखो ये रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था रेलवे में वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा। पूरे रेलवे का जो सेशन चलेगा उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ALP के अंतर्गत ये क्वेश्चन कब पूछा गया था या फिर NTPC में ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ताकि आपको ये ट्रस्ट हो कि ये क्वेश्चन वास्तविकता में रेलवे के हैं, बताएंगे। टीकाकरण, वैक्सीनेशन का जो शुरुआत की थी वो दोस्तों किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। जॉन ई साल्क, मूलर, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बताएं इसमें क्या रहेगा राइट आंसर। सी, बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन का पिता जिसे कहा जाता है वो एडवर्ड जेनर होता है। इसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है वो आपका जाना जाता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही दोस्तों सबसे पहले ये
अच्छा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किसके टीका की खोज की थी? ऐसा कौन सा डिजीज था? डिजीज का नाम बताएंगे, उस डिजीज का नाम बताएंगे जिसने जिसमें इन्होंने दोस्तों क्या की थी, टीका बनाया था। जल्दी जल्दी बताओ, इसमें क्या होता है और कौन से डिजीज में इन्होंने दोस्तों वैक्सीनेशन बनाई थी? ऐसा कौन सा रोग था जिसमें इन्होंने वैक्सीनेशन बनाई थी, बताएं। चेचक जो रोग होता है उसमें, उसके रोकथाम के लिए एडवर्ड जेनर ने दोस्तों वैक्सीनेशन बनाया था। क्लियर करते चलेंगे चलेंगे नेक्स्ट। अगर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग होता है, यानी कि वायु से फैलने वाला रोग होता है? मीजल्स, टाइफाइड, पिंक आई, नन ऑफ दीज अबव। निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? बिल्कुल चेचक सही है। अब इसमें बताओ आप, इसमें राइट आंसर बताएंगे सभी के सभी क्या रहेगा? इसमें राइट आंसर बताएंगे सभी के सभी क्या रहेगा? आपसे पूछा है वायु जनित जो रोग होगा इनमें से कौन सा है। हम जानते हैं टाइफाइड जो होता है ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। दूषित जल और भोजन से फैलने वाला अगर कोई रोग है तो टाइफाइड होता है। ये जो नेत्र वाला जो रोग होगा ये एलर्जी होता है, ये एलर्जी वाला रोग होता है। जबकि खसरा जो होता है ये आपका एयर से फैलने वाला रोग होता है, एयर से फैलने वाला रोग होता है। हमें याद रखते हुए चलना होगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एयर से कौन सा रोग फैलता है, तो एयर से फैलने वाला रोग जो होता है वो आपका मीजल्स यानी खसरा होता है। चेचक जो होता है, चेचक भी आपका इसी से फैलता है, एयर से फैलता है। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता, चिकन पॉक्स, ये जितने भी जो भी रोग होते हैं, खसरा, मीजल्स, ये सब दोस्तों आपके एयर से फैलने वाला डिजीज होते हैं। आप इन्हें क्लियर करते ही चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा। रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में दोस्तों मौजूद होता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में दोस्तों मौजूद होता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में दोस्तों मौजूद होता है, बताएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा रहता है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, और अधिकतम जो होगा वो आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आपका मैक्सिमम जो होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। आपको ये बताना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट ये दोनों जो होते हैं ये इसी के अंतर्गत होते हैं, हड्डी और दांतों में ये पाए जाते हैं। आपको इतना भी बताऊंगा, दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है, दांतों के ऊपर इनेमल जो होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसका निर्माण भी इनसे मिलकर होता है। इनेमल जो होगा ये बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये हमें याद रखते हुए चलना होगा। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? कुलदीप, प्रेम, रूपेश, नेहा, स्नेहा, बताएं। यहाँ तक जो पॉइंट आपको बताए वो क्लियरली समझ में आया कि कैल्शियम और फास्फेट होता है, तो इसमें आपके पास में आ जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट
हड्डी और दांतों में मौजूद होता है। दांतों के ऊपर एक एनेमल जो वाली जो परत होती है, चमकदार जो परत होती है, उस चमकदार जो परत होती है वो बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जानी जाती है। ये हमें याद रखते चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के और आएंगे और बताइए कि कौन सा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थिर का मतलब होता है जो एक ही जगह पर रहता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता। मरुस्थल, समुद्र, पर्वत या फिर जंगल, बताइए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर से भी पूछे जा सकते हैं, उसमें आपको बताना होगा कि राइट आंसर कौन सा है। कौन सा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? मरुस्थल, क्या मरुस्थल मूव करता है क्या? समुद्र, पर्वत या जंगल? अगर इनकी कंडीशंस देखेंगे तो सब एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उसी जगह पर जो मूव करते हैं उस वाली कंडीशंस की बात होती है। बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा है। चलेंगे, इसमें जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं जो स्थिर पारिस्थितिकी है उसमें आपके पास में आएगा समुद्र, और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो फिर आपके पास में आ जाएगा बी कंफर्म, बिल्कुल सही है प्रेम आपका। और अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो महासागर आ जाएगा, महासागर अगर सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो उसमें आपके पास में आ जाएगा महासागर। याद करते हुए चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, बताइए आप घटक में सम्मिलित है, आप घटक कौन सा हो? डीकंपोजर, डीकंपोजर के रूप में कौन सा आएगा, बताएंगे। आप घटक में सम्मिलित होता है, देखो तीन प्रकार के कंडीशंस होती है। एक होता है प्रोड्यूसर जो उत्पाद करता है, और एक होता है दोस्तों डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब डेथ बॉडी होती है और उसमें से अपना जो भोजन तैयार करते हैं वो डिकम्पोजर होता है, अपघटक के रूप में होते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा, क्या पशु होंगे, क्या जीवाणु होगा, क्या कवक होगा। अब आप ही देखेंगे, पशु जो होते हैं वो एक यूनिसेलुलर जीव, जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनके ऊपर दोस्तों ये जो डिपेंड होते हैं उन्हें डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके पास में जो राइट होगा वो बहुत बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी ये दोनों क्या करते हैं, अगर कोई भी जीव जो डेथ हो जाती है उस जीव से दोस्तों ये अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन लेते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलेंगे नेक्स्ट अगर अपन दोस्तों देखते हैं तो बताइए,
बिल्कुल देखेंगे। पहला जो किसने खोजा कि पौधों में जीवन होता है, ये जेसी बॉस ने खोजा। किसने? जेसी बॉस ने। क्लियर करेंगे ये बात आप? बिल्कुल। टेक्निकल टीम अपना काम प्रॉपर रूप से कर रही है, कुछ प्रॉब्लम थी जो सही कर दी थी उन्होंने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अब एक आपको मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक सीरीज के अंतर एक से दो क्वेश्चंस आपके खोज वाले पूछे जाएंगे, डिस्कवर वाले पूछे जाएंगे, एक से दो क्वेश्चंस। वॉइस आ रही होगी यार, ऐसा नहीं हो सकता कि वॉइस नहीं आ रही। इतनी अच्छी वॉइस आपको कहाँ मिलेगी ये बताओ? इतने अच्छे हमारे आईटी डिपार्टमेंट वाले आपको कहाँ मिलेंगे दादा? एक एक पल पल के आपको वो देख रहे हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं। डोंट वरी रहे आप, आपका हर पल ध्यान रखा जा रहा है। बस शर्त ये रहेगी कि आप कंटिन्यू बने रहो और पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट था जिसने की थी। प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट के द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की गई है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे और बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। वायु, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है वो दोस्तों कौन सी परत होती है? ओजोन। कौन सी परत होती है? ओजोन। चलो क्लियर समझ में आया? अच्छा, परत गैस पूछा है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और बताइए, न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? अब आपको ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताएं न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? 34 रिपीट करें। ये क्वेश्चंस बता दिया ना आपको मैंने, इसमें बताओ न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? अब देखो एटम जो होता है, एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपके पास में आ जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा है कि इनके बारे में किसने बताया? प्रोटॉन के बारे में जो बताया था वो था गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के बारे में बताया था जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे थॉमसन। ये तीनों साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए थे, तो इसमें आपके पास में आ जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक वो साइंटिस्ट था जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल के साथ चर्चाएं की थी। लाइक भी करने की है, बी कंफर्म, बिल्कुल सही है। जेम्स
चैडविक आपका राइट आंसर होगा। अगर इनके आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो कितना होगा बताते जाओ, और मास कितना होता है वो भी बताते जाओ। चार्ज जो होगा माइनस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इसमें होगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। अगर उसी प्रकार से प्रोटॉन का पूछेगा तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। उसी प्रकार से अगर आपसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो 1.6 इंटू 10 टू पावर, सॉरी ये आवेश नहीं होता, आवेश लेस होता है, ये जीरो होगा, जबकि इसका जो मास होता है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, सबसे ज्यादा जो मास होगा वो दोस्तों किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मास किसका होता है, सबसे ज्यादा जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। एक तो सबके सब है ना, आप क्लास स्टार्ट होते ही आ जाया करो। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं। क्लास आपकी फिक्स 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप जितने भी मित्रगण जो देख रहे हैं वो फिक्स 10 बजे आपकी क्लास में उपस्थिति दर्ज कराएं। इसमें बताएंगे कि जो चमगादड़ होता है वो किस प्रकार की जो रेंज होती है या वेव होती है जिससे वो अंधेरे में उड़ने के लिए और ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और परावर्तन का जो पता लगाता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रे। याद रखेंगे, क्लियर हुआ? अरे यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? चलेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी मित्रों को? नेक्स्ट आ जाइए और बताइए, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते क्या कहा जाता है? यानी कि एक समान जो होता है, पृथक बनावट रूप नहीं होते, पृथक बनावट का मतलब होता है जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती, और जिसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती वो एक समान होते हैं। बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते वो क्या कहा जाता है? जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते क्या कहा जाता है? हम ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन जो होता है वो एम्ब्रियो के बेस पर होता है। एक होता है विदाउट एम्ब्रियो और एक होता है विद एम्ब्रियो, और ये हो जाता है थैलोफाइटा, और ये हो जाता है दोस्तों एम्ब्रियोफाइटा। और एम्ब्रियोफाइटा फिर दो पार्टों में डिवाइड होता है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा दो पार्टों में डिवाइड होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम जानते हैं ये एक ऐसा पादप होता है जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट नहीं होती, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है इसका मतलब वो एक समान रूप से होते हैं, और वही आपके पास में आ जाएगा दोस्तों थैलोफाइटा। आई होप की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट्स पी ब्लॉक का तत्व होता है? अब बताओ, रेलवे मैक्सिमम अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देगा तो वो आपके देगा दोस्तों पीरियोडिक टेबल से।
पी ब्लॉक का तत्व तो इसमें से आपको बताना होगा। पी आपका होता है एक एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के बाद में फिर आपका आ जाता है पी ब्लॉक, एक होता है एस और ये हो जाता है पी, और फिर आ जाता है डी। एस पी डी और एफ, एफ होता है लास्ट लास्ट में। आप इसमें बताना होगा पी ब्लॉक में कौन सा होता है। मैग्नीशियम आपका दोस्तों एस ब्लॉक में होगा, कॉपर, बोरॉन, यूरेनियम। हम जानते हैं बोरॉन जो होता है वो आपका दोस्तों पी ब्लॉक का होता है, यूरेनियम आपका एफ ब्लॉक का होगा, और बोरॉन आपका दोस्तों पी ब्लॉक का होता है, मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक का होता है, और ये आपका दोस्तों डी ब्लॉक का होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। आई होप कि यहाँ तक जो भी पढ़ाया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस का एंजॉय करने के लिए बने रहे आपके हमारे चहेते डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेक पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर। थैंक यू।